तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो सैमसंग पासवर्ड मैनेजर होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट्स के बाद क्या नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आपको आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लें। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बता रहा हूँ सैमसंग पास के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद वहां पर जाना है आपको अपडेट्स वाले सेक्शन पे, एंड देन वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको तीन एप्स में अपडेट्स मिल रहे होंगे, सैमसंग पासवर्ड, सैमसंग ऑटोफिल विद सैमसंग पास, ऑथेंटिकेशन और फ्रेमवर्क। ये तीनों मतलब एक ही चीज़ है, ये तीनों उसी से रिलेटेड होते हैं, तीनों सैमसंग पास से ये रिलेट करते हैं। तो आपको तीनों को एक एक करके अपडेट कर लेना है, और तीनों को अपडेट करने से आप वहां पर आपका सैमसंग पास में बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विकली चलता रहेगा। तो आप यहां पर बात करें सैमसंग पास का अपडेट कब रिलोड किया गया, 2 मई को रिलीज किया गया, जिसका अपडेट है साइज है 46 MB का, जिसका वर्जन नंबर है 4.4.01.1, जिसके अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया कि कुछ नए चेंजेस किए गए, बट जब भी ऐसा कुछ अपडेट आता है तो उसके अंदर उसके सिक्योरिटी को, उसके बक्सेस को और उसके अंदर उसकी कुछ इन्हांस फीचर को एड ऑन किया जाता है। और जैसा कि सैमसंग पासवर्ड से रिलेटेड है, इसमें आपको सिक्योरिटी डाटा रहता है, इनक्रप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये आपके डाटा को सेफली करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी होगा इसके अंदर क्या क्या आपकी प्राइवेसी रहती है, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिक्योर रहती है। इसके अंदर आप अपनी क्यूक एक्सेस कर सकते हैं बाय अपने फिंगरप्रिंट, बाय अपने फेस लॉक के थ्रू, और आपके आईडी पासवर्ड कहीं भी कहीं नहीं है, सिक्योर बाय सैमसंग नॉक्स। जैसा कि ये बता हुआ सैमसंग नॉक्स होता है ए सीरीज के अंदर, तो सैमसंग नॉक्स के थ्रू ही सैमसंग पासवर्ड वर्क करता है। और सैमसंग नॉक्स बहुत ही ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी वाला होता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। तो नया अपडेट मतलब कि कुछ नया इसमें इंप्रूवमेंट किया गया होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, या कुछ एनी हाउ इसमें इंप्रूवमेंट किए गए होंगे। तो आपको तीनों ऐप को एक एक करके अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सिंपल सा आपको इंटरफेस मिलने वाला है, और नीचे लिखता भी है पावर्ड बाय नॉक्स, आपको दिख रहा होगा, और नॉक्स दिख जाता है। यहाँ पर आप सैमसंग पास के अंदर आप क्या क्या अपनी साइनिंग इन, जो भी सैमसंग पास में जाएंगे तो आप यहाँ पर साइन इन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आप जो भी डाल सकते हैं, और बाद में कहीं भी लॉग इन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने, आप देखेंगे यहाँ पर साइन इन करा, मैंने वेरीफाई बाय फिंगरप्रिंट किया और वो वहाँ पर खुल जाएगा, और जितने भी मेरे पासवर्ड सेव है सारी वेबसाइट के, सब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। और आप चाहें तो कुछ मैनुअल भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं, चेक पासवर्ड सिक्योरिटी, वो आपको बता भी देगा कि 32 पासवर्ड आपके इजी टू गैश हैं और 29 पासवर्ड आपने डुप्लीकेट लगा के रखें। इजी टू गैश में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बता देगा इन सब पासवर्ड आपके बहुत ईजी नहीं है, कोई भी इसको गैस कर सकता है। डुप्लीकेट पासवर्ड में जाएंगे तो ये भी बता देगा कि आपने डुप्लीकेट पासवर्ड रखे, ये आपको खुद ही बता देगा कि आप ये सेफ्टी सिफ्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ऐप है सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और बहुत ही शानदार है, मुझे डेफिनेटली ये बहुत ही पसंद है। यहां पर कोई पासवर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मतलब सैमसंग पास में कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता उसका, ये तक चीजें यहां पर। आप यहां पर प्लस करके कोई भी एड ऑन करना चाहें तो एड ऑन कर सकते हैं, या सर्च पे करना चाहें तो जिसकी भी आपको सर्च करना हो तो यहां पर आप सर्च कर पाएंगे। ऐसे ही यहां पर जाएंगे डिलीट एक्सक्लूड ऐप और सब चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद साइन इन के अलावा इसमें एक और ऑप्शन दिखेगा आपको प्राइवेट इन्फो में, तो जो भी आपकी इसमें प्राइवेट इन्फो होगी सब यहां पर आप चेक कर सकते हैं। अपने नोट्स यहां पर कोई डाल सकते हैं जिसको आप इजीली कहीं भी पढ़ सकते हैं बाद में, ताकि फुल प्राइवेट ही रहे। एड्रेस डाल सकते हैं या कोई अपना UPI पेमेंट लिंक भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आप एक्चुअल वर्किंग आपको मैं इसकी बताता हूँ, कहीं भी आप इसमें लॉग इन करने जाएंगे, जैसे कि आपको लॉग इन करना हो, जैसे मैं यहाँ स्विच अकाउंट पे गया है, मेरे को यहाँ लॉगिन करना है, तो जैसे ही मैं आगे लॉगिन क्लिक करूँगा सैमसंग पासवर्ड के आपको आईडी पासवर्ड सब दिख जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर ऐसा अपना फिंगरप्रिंट लगाना और डायरेक्टली वो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से सैमसंग पासवर्ड वर्क करता है, जिस किसी भी की ऐप का हो सबका आप डाल सकते हो और कहीं भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अपडेट के साथ उसकी स्पीड को, एक्यूरेसी को, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया होगा, आपको अपडेट जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। इतना सब कुछ कर ही लोगे तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे नए चैनल पे भी फॉलो कर लें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।